मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक की, जहां बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सांसद हेमा मालिनी ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि बैठक मथुरा वृंदावन में विकास कार्यों को लेकर की गई है। मथुरा वृंदावन की पहचान हो सके उसके लिए काम किया जा रहा है और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। मैं चाहती हूं कि मथुरा वृंदावन स्वच्छ हो, क्लीन हो और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों के गड्ढों को लेकर बात की तो कहा कि अभी मथुरा के अंदर के अंडरग्राउंड केबलों का काम चल रहा है, जिसके कारण कुछ सड़कें टूट गई हैं, उन पर मरम्मत का काम चल रहा है। उद्देश्य यही है कि मथुरा वृंदावन आगे आने वाले समय में जो हम लोग जो सोच रहे थे उसके अनुसार बने, और मुझे ऐसा पूरा यकीन हो रहा है। अभी वो सब दिख रहा है मुझे, अभी विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसा हम चाहते हैं, स्वच्छ हो, क्लीन हो और बहुत सारी जो ज़रूरत था वो सब काम हो रहा है। अभी आप कलेक्ट्रेट पर आई हैं, आपने रास्ते भी देखे होंगे, तो क्या इसी तरह के रास्ते रहेंगे या कुछ बदलाव भी आएगा? सड़कें टूट रही हैं, लगभग पूरे जनपद का यही हाल है शहर के साथ। वो टूटता तो वापस बन भी जाता है ना, बनेगा खाई हो गई है, केवल उसकी रिपेयरिंग की जा रही है। नहीं, वो सब अभी केबल वगैरह नीचे अंडरग्राउंड लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी वो भी सुविधा चाहिए आपको, उसके बगैर भी मुश्किल है। तो वो सारा काम हो रहा है, तो मैं वही उसकी बात की थी कि डिले नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा 45 डेज के अंदर सारा ठीक हो जाएगा, अंदर रोड भी क्लियर हो जाएगा। मैडम, यमुना पे अभी कोई कार होता नजर नहीं आ रहा है? हाँ जी, यमुना का होगा, जल्दी से होगा। स्वच्छता को लेकर कितनी संतुष्ट हैं आप शहर की? मच बेटर देन बिफोर। जब मुझे भी जितने लोग मिलते हैं मेरे सांसद में और कहीं से भी बाहर से, कि पहले से बहुत बढ़िया हो गया है, इतना कहते हैं, तो इसका पूरा श्रेय हमारे सारे प्रशासन के लोगों को ही देना पड़ेगा, क्योंकि वही काम करवाते हैं। बहुत पहले इतना नहीं हो रहा था, अभी हम उसका बदलाव दिख रहा है। अभी आप छटीगरा रोड में भी देख सकते हैं, बहुत बहुत भीड़ होती है, क्योंकि ये तीर्थ स्थान होने की वजह से बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसके लिए वेरी स्पेशली सोच के करने की बात है, ये इसका लापरवाही नहीं कर सकते हैं। बजट में भी, क्योंकि मथुरा धार्मिक नगरी है, हाँ, तो कुछ मथुरा को क्या कुछ ऐसा मिला है क्या? कुछ स्पेशल मिला है? बहुत मिला है, मिला जी। आपको स्मार्ट सिटी में मिल गया, स्मार्ट सिटी में मथुरा आ गया है, स्मार्ट सिटी में मिल गया है, विस्तृत विकास परिषद को मिला है और बहुत सारी स्कीमें। दोबारा सांसद आप बनी है, पहले आपने कहा था कि मथुरा को बहुत सुंदर बनाने के लिए कुछ काम और बाकी है, तो क्या प्लान है? बहुत काम है, बहुत काम है, वो सब अभी हो रहा है। हमें आपने देखा होगा पूरा रोड में अभी कुछ अजीब सा लिखा हुआ था पहले, कुछ बीमारियों के बारे में जी। अभी इन्होंने तो पूरा अच्छा सा पेंटिंग्स करवाया है जी। तो कलाकार के द्वारा बहुत सुंदर सा वो भी बन रहा है रोड्स में, फ्लाईओवर के ऊपर सब नीचे जो लिखा है, आई मीन लाइक दैट एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, मच बेटर देन व्हाट इट वाज। अभी तक कितनी संतुष्ट है विकास कार्यों से? मैं संतुष्ट हूँ, अभी और भी संतुष्ट होना चाहिए, 4 साल के अंदर और भी बहुत ही खुश हो जाऊँगे, ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास है, क्योंकि जब तक हमारे DM साहब हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर हमारे साथ हैं, सब ये लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले बोलती रहती थी काम बहुत कम स्लो होता था, अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो आई होप दे ऑल कंटिन्यू टू बी विथ मी, सो वी कैन डू ए मच बेटर वर्क। और अच्छा हो रहा है, ब्रज तीर्थ विकास के जरिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैडम, केंद्र सरकार ने रसोई गैस पर वृद्धि कर दी, आप खुद महिलाएं और महिलाएं इससे खासी नाराज है, क्या कहेंगे आप? क्या गैस सिलेंडर का अभी टाइम के हिसाब से कुछ होता है, अभी उसमें हम ज्यादा दखल नहीं दे सकते हैं। ब्रज की होली को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? ब्रज की होली के लिए तो बहुत कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने के मिलेगा। तो मैं तो सोच रही थी मेरा जो लिया हुआ गोद लिया हुआ गांव रावल में भी होली का उत्सव हो जाए। ठीक मैम, थैंक यू।